रहा था उसमें ये फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। फांसी इसने फूस डालने वाली वो लकड़ी की क्या बोलते हैं लाश 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 तो पर खड़ी होके फांसी का फंदा लगा लिया, फिर नीचे कूद गई। मैं मौके पर पहुंचा तो लाश लटकी हुई अवस्था में थी। गांव के सरपंच और 15-20 मौजूद आदमी खड़े थे। वहां जाके मौके की फोटोग्राफी करवाई गई और लाश को गांव वालों की मदद से नीचे उतरवा कर हॉस्पिटल रवाना के वहाँ मौके पर ही हरिराम ने रिपोर्ट दी। तो सर मैं करीब 12 बजे तक खाना खा के सो गया था। मेरी पत्नी बर्तन वगैरह माँज रही थी, पशुओं को चारा वारा डाल रही थी, मेरे को नींद आ गई। मैं 2 बजे करीब चाय के लिए खड़ा हुआ तो वो नहीं दिखी। मैंने आसपास तलाश की, आवाज़ दी, फिर पीछे गया तो वो मुझे लटकी हुई। इस पर मामला मर्ग इंसान का पाया गया, अभियोग दर्ज करके लाश का पोस्टमार्टम कर हमारी शान को सपोर्ट कर दी। क्या हुआ सर हरिराम के परिवार में? हरिराम के परिवार में आज तक 5 व्यक्ति खत्म हो गए। हरिराम के साथ बहुत ही अन्याय हुई है। हरिराम की अब कैसी जिंदगी कटेगी ये तो मालिक ही जाने। 5 कौन कौन खत्म हुए उनके परिवार? पहले उनकी बेटी हो गई जी, फिर उसकी पुत्र वधु हो गई, बाद में बेटा हो गया और बाद में उसकी घरवाली विमला देवी हो गई, और पहले सबसे पहले उसका बड़ा भाई जगदीश खत्म हो गया।